दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी में। 12 अगस्त सावन का चौथा सोमवार, यहाँ बांधे इस वृक्ष पर दो जोड़ा हरी चूड़ी, कंगाल भी बनेगा धनवान, 24 घंटे में होगी हर मनोकामना पूरी। दोस्तों भगवान शिव के आप सब संतान हैं, इसलिए भगवान शिव के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए चले कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आपके ऊपर शिव की कृपा बरसे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। सावन के चौथे सोमवार के दिन यहाँ बांधे एक जोड़ा हरी चूड़ी, 24 घंटे के अंदर होगी मनोकामना पूरी। सावन का चौथा सोमवार 12 अगस्त को है। दोस्तों जो भी आपकी मनोकामना होगी पूरी होगी, क्योंकि सावन का जो महीना होता है मर्यादा एवं भक्ति का महीना होता है। भक्ति माह होते हैं सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने से वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन के पूरे महीने भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है और इसके अनेक पौराणिक कथा एवं धार्मिक मान्यता भी है। इसीलिए दोस्तों जन साधारण लोग और किसी महीने में संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। दोस्तों हम अपने चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सरल एवं अच्छे उपाय बताते हैं और प्रयास करते हैं आपका भला हो, सरल से सरल उपाय बता के तो जानकारी बताते हैं जो जन साधारण लोगों के लिए लाभदायक होती है। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और पृथ्वी पर जिनके घर पर यथावत शिवलिंग रखे गए होते हैं उनके घर में जरूर भगवान शिव आंशिक रूप से जरूर आते हैं। इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि के संपूर्ण कारभार भगवान भोलेनाथ के ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों आज का हमारे वीडियो का जो विषय है बहुत ही सुंदर है। इस वृक्ष पर दो जोड़ा हरी चूड़ी बांध देना, आपकी हर इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में आप हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी मनोकामना सीधे भगवान शिव तक पहुँचेगी और कुछ ही घंटों के अंदर पूरी होगी और आपका समय भी अच्छे से गुजरेगा। कैसे भी आपकी मनोकामना हो, जीवन की परेशानी हो, वो सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी और मनोकामना पूरी होगी। तो यह जानकारी यानी पाने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, माता पार्वती को मानते हैं, तो सबसे पहले तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। दोस्तों भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। दोस्तों भगवान शिव को यह यानी कि तीन चीज़ें अत्यंत वृक्ष प्रिय है, जैसे कि इस वृक्ष की पूजा अगर आप करते हैं सावन के महीने में तो शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मनुष्य जाति के जन कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती ने इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिए थे। दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है। वो जो शीघ्र आनंदित करता है, हरे रंग प्रकृति का वह स्वरूप है। हरे रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है जो कि बहुत खूबसूरत है। माता पार्वती भी प्रकृति भगवान भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों हरे रंग का उदाहरण इस प्रकार से, जैसे सावन में भगवान शिवजी को चढ़ाए जाने वाले बेल पत्र धतूरे भांग एवं दूब एवं हरे रंग का जो वस्तु होती है। दोस्तों प्रकृति निर्वाण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरी रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जितने भी माताएं बहनें हैं उनके पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहनना चाहिए, हरे वस्त्र धारण करना चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती हैं, शिव पूजा करती हैं, ऐसे माताओं बहनों को हरे रंग का वस्त्र ही धारण करना चाहिए। कदापि रेड कलर के अर्थात लाल कलर काले वस्त्र पहनना बिल्कुल निषेध है। ऐसा माना जाता है कि लाल कलर के वस्त्र धारण करने से भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं। तो दोस्तों इस वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन जरूर बांधें हरी चूड़ी, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपकी गरीबी हो, परेशानी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, जीवन
में जो समस्याएं चली आ रही है सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी चूड़ी किस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएगी और शीघ्र आपको एक सोमवार के दिन ये उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगा। तो दोस्तों, यह वृक्ष कौन है जानने के लिए सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। सबसे प्रथम वृक्ष है दोस्तों शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि ध्यान से सुनिएगा, तो सभी शमी के वृक्ष में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का मिश्रित स्वरूप कहा गया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दें। दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन पर शमी के वृक्ष में माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर और प्रदोष काल के समय अर्थात जब दिन ना हो न रात हो, संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय गोधूली बेला पर या फिर प्रदोष के समय इस वृक्ष को छूने से पाप दोष कष्ट एवं परेशानियां समाप्त हो जाती है। केवल सावन के महीने में छूने मात्र से दोस्तों, सावन के महीने में समय वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती की खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर में कल्याण होता है, शमी सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए दो जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधें या फिर हरे रंग का श्रृंगार जो भी मिल जाए उसे जरूर बांधें। कैसे भी आपकी मनोकामना हो, एक ही सोमवार में शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। पूरे सावन में अगर शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ की पूजा में उन्हें चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। महादेव खुद चलकर आपके घर में सावन के महीने में आते हैं। आपकी कैसी भी दरिद्रता हो, कैसी भी परेशानी हो, सब समाप्त हो जाती है। दूसरा वृक्ष है दोस्तों धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष आप भगवान शिव के उग्र स्वरूप से पैदा हुआ है। ये धतूरे का वृक्ष ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर, जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता पुष्प फल चढ़ाने से राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर दो जोड़ा हरी चूड़ी बांधें तो शत्रु से छुटकारा मिलता है एवं शत्रु का सर्वनाश होता है। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए और व्यापार में तरक्की, नौकरी प्राप्ति के लिए, सभी प्रकार के यानी कि सुख सुविधाओं को प्राप्ति करने के लिए आप सावन के सोमवार के दिन आप बेल के वृक्ष में दो जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधें। अपनी मनोकामना बोलते हुए 24 घंटे के अंदर ही आप देखेंगे आपकी मनोकामना पूरी होगी। दो जोड़ा हरी चूड़ी बेल के वृक्ष में, बेल के वृक्ष में माता पार्वती भगवान शिव वास करते हैं, इसलिए तो बेल का पत्ता चढ़ाया जाता है। दोस्तों, आपको हरी चूड़ी जरूर बांधना है। हरी चूड़ी दो जोड़ा या एक जोड़ा भी मिल जाए तो आप बेल के वृक्ष में जरूर बांधें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर मदार यानी कि आग का जो पौधा होता है इसमें भी आप दो जोड़ा हरी चूड़ी सावन के सोमवार के दिन बांधें, क्योंकि ये भी बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इसमें भगवान शिव वास करते हैं, यानी आग जो मदार का पौधा होता है तो इसमें भी बांधें, इससे शिव प्रसन्न होंगे। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू।